सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नौकरी को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार सवाल पूछने वाले बीजेपी बताएं, सरकार से जो सवाल पूछते हैं या फिर बीजेपी सवाल पूछती वो बीजेपी बताए कितने लोगों को रोजगार दिया है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, 8 साल हो गए, 16 करोड़ में से कितने लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली। बिहार सरकार अब तक 1 लाख लोगों को नौकरी दे चुकी है। 16 नवंबर को 10,000 लोगों को सरकार नियुक्ति पत्र भी सौंपेगी। तो डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अभी 3 महीने की सरकार कह सकते हैं, 3 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है, दी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिर वो 8 सालों में कितने लोगों को रोजगार देने में सफल रही है। नहीं चाहिए हिसाब किताब, उनको अभी गिनती आता है। अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बंटना शुरू हो गया और 16 तारीख को तो 10,000 लोगों को और हम लोग नौकरी देने जा रहे हैं, तो लगभग तो लाखों में तो हो ही गया। और कुछ दिनों में जो है जो हम लोगों ने किया है वो सारा करेंगे, लेकिन 8 साल में हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा था, उसमें से 16 करोड़ में से इन्होंने कितना रोज़गार दिया ही पूछिए। आप तैयार हैं हिसाब के लिए? हिसाब के लिए होना चाहिए, बहस इसी पर होनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों ने किडनी देने की बात कही थी, लेकिन रोहिणी दीदी की किडनी का बेस्ट मैच हुआ है, इसीलिए वो किडनी डोनेट कर रही हैं। डॉक्टर का यही था कि परिवार में से हो तो ज्यादा बेहतर होता है, तो जो बेस्ट मैच था तो जो हमारी बहन है रोहिणी जी, उन्होंने टेस्ट कराया था और मैच हुआ है। हालांकि हमारे परिवार में और भी लोग जो हैं वो देना चाहते थे, लेकिन जो और भी बहनें हों, लेकिन रोहिणी दी क्योंकि वही रहती हैं और वो ज़्यादा इच्छुक थी डोनेट करने के लिए, और उनका बेस्ट मैच निकला, तो जो बेस्ट मैच होता उसी का।